Welcome to commerce classes. Today we'll be understanding some more accounting terms. आज की हमारी accounting terms हैं income, profit, gain and loss. In accounting there are different terms being used to show or record the profits. जैसे हम normal लैंग्वेज में कहते हैं ना कि मुझे इतना प्रॉफिट हो गया या मुझे इतना गेन हो गया. वी यूज दीज टर्म्स इंटरचेंजेबली. प्रॉफिट भी बोलते हैं, इनकम भी बोलते हैं, गेन भी बोलते हैं. बट अकाउंटिंग में इन तीनों के अलग अलग मीनिंग है और अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में दीज आर यूज्ड. बट लॉस का एक ही कॉन्सेप्ट है. लॉस के आगे हम फ्रेज जोड़ देते हैं कि ये लॉस किस एक्टिविटी से आ रहा है. अब टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस इन इनकम, प्रॉफिट एंड गेन, अगर इन तीनों में हमें इनका एक्चुअल मीनिंग और इनमें डिफरेंस समझना है तो हमें फिर से समझना होगा कि बिजनेस एक्टिविटीज कौन सी होती हैं. द डिटेल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज इज देयर इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर, बट आई एम रिफ्रेशिंग योर नॉलेज अगेन. किसी भी बिजनेस में जो एक्टिविटीज हो रही हैं उन्हें हम दो पार्ट्स में ब्रॉडली डिवाइड कर देते हैं, रूटीन एक्टिविटीज और रेगुलर एक्टिविटीज एंड इरेग्युलर एक्टिविटीज. रूटीन एक्टिविटीज और रेगुलर एक्टिविटीज आर दी एक्टिविटीज इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. दैट मीन्स ये बिजनेस के नॉर्मल एक्टिविटीज का पार्ट है. ये नॉर्मली एक्टिविटीज की जाएंगी. जैसे आप बेकरी गुड्स बेच रहे हो तो आपका काम है कि आप बिस्किट्स, केक्स या इस तरह की बेकरी आइटम्स आप परचेज करते हो और उनको आगे सेल करते हो. या इन दैट बिजनेस अगर आपके पास कुछ पैसा अवेलेबल है या कोई बिल्डिंग का पार्ट अवेलेबल है, आप उसको भी रेंट पे दे देते हो या पैसा इन्वेस्ट कर देते हो, आपको इनकम आने लगती है. सो ये ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो सकती हैं, बट ये क्योंकि बिजनेस के नॉर्मल कोर्स में है, रूटीन में होती हैं, रिकरिंग हैं, तो इसलिए इन्हें हम रेगुलर बोलते हैं. रेगुलर मतलब जो रूटीन में चल रहे हैं. इसके अलावा कुछ एक्टिविटीज होती हैं जो रेगुलर नहीं है, इरेग्युलर हैं. दीज आर कॉल्ड इंसिडेंटल एक्टिविटीज. ये बिजनेस क्या पार्ट होने की वजह से करनी होती हैं. लाइक आपके बिजनेस में यू परचेज अ बिल्डिंग और वहां आपने फैक्ट्री लगाई. अब आपकी जरूरतें बढ़ गई हैं, आपका काम बढ़ गया, अब आपको एक बड़ी फैक्ट्री लगानी है. तो आपको लगता है कि ये बिल्डिंग मैं बेच दूं और एक नई बिल्डिंग खरीद लूं. सो उस बिल्डिंग को बेचने को जो ट्रांजेक्शन है और उसपे जो प्रॉफिट लॉस होगा वो आपका इंसिडेंटल टू बिजनेस है. बिजनेस की रिक्वायरमेंट के कारण है, बट वो आपके बिजनेस का मेन काम नहीं है. तो इसे हम बोलते हैं इरेग्युलर एक्टिविटी. ये रूटीन में नहीं होती हैं, ये नॉन रिकरिंग होती हैं. नॉन रिकरिंग का मतलब है जो बार बार नहीं होती. सो नॉन रिकरिंग एक्टिविटीज पर भी प्रॉफिट और लॉस हो सकता है और ऑपरेटिंग और रूटीन एक्टिविटीज में भी प्रॉफिट और लॉस होते हैं. जैसे अगर आपने एक बिजनेस की मशीन जो अब यूजलेस है, खत्म हो गई, उसको बेचा, उसमें भी प्रॉफिट और लॉस होगा क्योंकि उसकी कुछ वैल्यू तो बुक्स में होगी. आप उसको सेल करोगे तो यू माइट बी हैविंग अ प्रॉफिट अगर आप उसको ज्यादा पे बेच सकते हो, और या फिर आपके पास लॉस होगा. तो उस प्रॉफिट और लॉस को जो आपको इरेग्युलर एक्टिविटीज से मिलता है उसके लिए टर्म यूज की जाती है गेन. क्या टर्म यूज करते हैं? वी यूज द टर्म गेन ऑन दिस. मान लो आपने एक मशीन खरीदी थी. सपोज मशीन आपने 10 लाख में खरीदी थी, ठीक है. अब इसको आपने यूज किया बिजनेस में. सो जब हम बिजनेस में किसी भी फिक्स्ड एसेट को यूज करते हैं तो उसकी कॉस्ट का एक पार्ट हम राइट ऑफ करते हैं, क्योंकि उसका बेनिफिट खत्म हो रहा है, उसकी यूटिलिटी खत्म हो रही है. जैसे अगर बिजनेस की इस मशीन की लाइफ 10 साल है, 10 ईयर्स तक ये चलेगी, उसके बाद ये खराब हो जाएगी, स्क्रैप हो जाएगी, ये चल नहीं पाएगी, तो इसकी कॉस्ट को हम 10 पार्ट्स में बांट के राइट ऑफ करना शुरू कर देते हैं. तो फर्स्ट ईयर में 1 लाख कर दिया, सेकंड ईयर में 1 लाख कर दिया, तो धीरे धीरे बुक्स में इसकी वैल्यू कम होने लगती है. इसको कहते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करना, ठीक है. तो ये इसकी कॉस्ट थी. अब इसकी बुक वैल्यू मान लो आफ्टर 4 ईयर्स इसकी बुक्स में वैल्यू बच गई 6 लाख. मैंने बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल दिया कि 1 लाख पर ईयर हम राइट ऑफ कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन खत्म कर रहे हैं वैल्यू. क्योंकि ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना कि बुक्स में ये 10 लाख पे आ रही है अगर मैं कोई अकाउंटिंग नहीं करूंगी, तो इवन आफ्टर 10 ईयर्स ये बुक्स में तो 10 लाख पे ही है, तो इसका बेनिफिट तो मैंने ले लिया ना. तो जब मैंने इसका बेनिफिट ले लिया तो उसकी उतनी कॉस्ट भी चार्ज करनी बनती है, उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करना. तो इसकी वैल्यू बच गई 6 लाख. सो 4 ईयर्स हो गए. अब ये मशीन ऑफकोर्स काम की है, इसकी लाइफ 10 ईयर्स थी, ये यूज हो सकती है, बट एक नई मशीन मार्केट में आ गई है
इनोवेशन हुआ, नई मशीन आ गई, जिसकी वजह से क्या हो गया कि अगर मैं वो नई मशीन यूज करती हूँ तो मेरी प्रोडक्शन जल्दी होगी, एफिशिएंसी बढ़ गई है, टाइम सेव हो रहा है, प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो रही है। सो फिर मैं इस मशीन को क्यों चलाऊंगी, मैं इसे बेच दूंगी एंड आई विल रिप्लेस इट विद अ न्यू मशीन। बट ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शन है, ये रूटीन में ऐसा नहीं होता है। सो इसको सपोज ये बुक्स में मेरी इसकी वैल्यू है, बुक में वैल्यू इसकी है 6 लाख। बुक वैल्यू मतलब जो बुक्स दिखा रही हैं। सपोज इट वाज पॉसिबल टू सेल इट फॉर 3,50,000, हमने इसे सेल कर दिया 3,50,000 पे, तो क्या रहा, चीज आपकी 6 लाख की है, आपने 3,50,000 में सेल कर दिया तो आपको मिल गया लॉस, ठीक है। और इफ इट इज पॉसिबल टू सेल दिस से एज अ स्क्रैप ही, मैं इसको 6,50,000 पे सेल कर देती हूँ, 6 लाख मेरी बुक्स में शो कर रहा है, 6,50,000 पे मैंने सेल कर दिया तो अब मुझे इसमें फायदा हो गया, आई एम एबल टू सेल इट एट हायर प्राइस। इस प्रॉफिट को, इस गेन को, इसको बोलते हैं गेन। तो अकाउंटिंग में जो इरेग्युलर ट्रांजेक्शन होती हैं उनमें जो प्रॉफिट होता है उसके लिए टर्म यूज की जाती है गेन। सो गेन इज द इंक्रीज इन द ऑनर्स क्लेम्स, क्योंकि जो भी गेन होगा वो सब ऑनर को मिलना है, जो भी लॉसेस होंगे वो भी ऑनर को बियर करने होते हैं, तो इससे ऑनर के क्लेम्स या ऑनर की इक्विटी कम या ज्यादा होती है। अगर आपको कोई भी प्रॉफिट होता है तो ऑनर की इक्विटी बढ़ जाती है, क्योंकि वो इतना क्लेम और बिजनेस में से निकाल सकते हैं। अगर लॉस होता है तो उसकी इक्विटी में डिक्लाइन होता है, कमी आती है। सो गेन मीन्स एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट, एनी काइंड ऑफ इंक्रीज इन ऑनर्स इक्विटी अराइजिंग आउट ऑफ इरेग्युलर और नॉन रिकरिंग एक्टिविटीज, इन्हें बोलते हैं गेन। अब आ जाइए दूसरी तरफ, रेगुलर एक्टिविटीज या रूटीन एक्टिविटीज। रूटीन एक्टिविटीज के दो पार्ट है, ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हमें इनकम जनरेट होती है उसे अकाउंटिंग में बोलते हैं प्रॉफिट। उसे क्या बोलेंगे, प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब है कि जो हमें रिटर्न मिला, जो हमें इनकम मिली आउट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। लेकिन अगर इसमें हम नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी जोड़ दें तो सारी जो रूटीन एक्टिविटीज है इनसे जो हमें इनकम मिलती है, जो फायदा होता है, उसके लिए टर्म यूज की जाती है इनकम। सो इनकम जो है ये एक ब्रॉडर टर्म है और उस प्रॉफिट उसका एक पार्ट है। सो इनकम का मतलब क्या हो गया, इनकम इज द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम ऑपरेटिंग एज वेल एज नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सो ओवरऑल जो आपको इनकम मिली फ्रॉम द एक्टिविटीज विच आर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटीज हैं उनसे जो प्रॉफिट मिल रहा है, उनसे जो इनकम जनरेट हो रही है, उसे हम इनकम टर्म लिखते हैं अकाउंटिंग में। तो अकाउंटिंग में इनकम का कॉन्सेप्ट क्या है, इनकम फ्रॉम ऑल रेगुलर और रूटीन एक्टिविटीज। तो आप बिजनेस के सारे रेवेन्यूज को ऐड कर दो और उसमें से सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दो तो आपको मिल जाएगी इनकम। वेयर एज अगर आप उसकी सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को ही लेते हैं और इसके रेवेन्यू में से इसके एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो उसे बोलते हैं प्रॉफिट। तो तीनों टर्म्स आई होप आपको क्लियर हैं। जो बिजनेस की रूटीन और रेगुलर एक्टिविटीज हैं इनसे जो भी फायदा होता है उसे हम प्रॉफिट या इनकम वर्ड यूज करते हैं। प्रॉफिट होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए, इनकम अम्ब्रेला टर्म है, इनकम में सारी रूटीन एक्टिविटीज आ जाती हैं। वेयर एज द टर्म गेन इज रेलेवेंट फॉर इरेग्युलर एक्टिविटीज। तो अब इन्हें कैसे डिफाइन करेंगे, let us start with income. So the term income can be defined as the profit earned during an accounting year so from regular or routine activities in the ordinary course of business. So business की routine activities में जो भी profit earn हो रहा है वो सारा profit आपका income कहलाता है. So income is equal to revenue minus expenses. तो बिजनेस के रेवेन्यू लो
उस रेवेन्यू को जनरेट करने में जितने भी एक्सपेंसेस एक्सपायर हो गए वो सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दो तो आपको मिल जाएगी इनकम। नेक्स्ट टर्म है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या कहलाता है? प्रॉफिट मीन्स द प्रॉफिट अर्न्ड बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मतलब बिजनेस का जो मेन एक्टिविटी है, जो मेन उसका काम है, उस एक्टिविटी से जो प्रॉफिट मिलता है उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट। ठीक है, वैसे ये टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज होती हैं, आप प्रॉफिट भी बोलते हो, इनकम भी बोलते हो, बट जब हम अकाउंटिंग में ये टर्म्स यूज करते हैं तो इनके मीनिंग्स अलग अलग है। सो जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आपको जो फायदा होगा उसे बोलेंगे प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग रेवेन्यू और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इनके डिफरेंस को बोलते हैं प्रॉफिट। बट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए दो स्टेजेस हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फिर से समझ लो, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब है सेल ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज। प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड इन टू स्टेजेस। नंबर वन स्टेज है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट होता है प्रॉफिट जो आपका रेवेन्यू में से डायरेक्ट कॉस्ट माइनस करके आता है। सो इट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस डायरेक्ट कॉस्ट, दैट इज द कॉस्ट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द रेवेन्यू। फॉर एग्जांपल, अगर आपका बेकरी का बिजनेस है, आप केक्स, बिस्किट्स, पेस्ट्रीज वगैरह बना के मैन्युफैक्चर करते हो और उसको सेल करते हो। सो अगर आप केक सेल कर रहे हो, बिस्किट सेल कर रहे हो, तो उसकी डायरेक्ट कॉस्ट क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट में क्या आ जाएगा? आप रॉ मटेरियल खरीद रहे होगे, फ्लोर खरीद रहे हो, एसेंस डिफरेंट खरीद रहे हो, और जो इनपुट्स केक में, बिस्किट्स में और बेकरी आइटम्स में डलती है वो सारे आपके रॉ मटेरियल्स हैं। उसके बाद आपने लेबर एम्प्लॉय की हुई है जो फैक्ट्री में काम कर रही है, फैक्ट्री का रेंट दे रहे हो आप, फैक्ट्री में लाइटिंग है, सुपरवाइजर वहां पे काम कर रहा है, ठीक है, और जो भी आप इनपुट्स रॉ मटेरियल इसमें डाल रहे हो वो सारे आप बाजार से लेके आते हो, तो उसको लाने की कॉस्ट, फ्रेट इनवर्ड, इनवर्ड का मतलब जो अंदर बिजनेस में लाने में खर्चा किया, सो ये सारी इसकी डायरेक्ट कॉस्ट है। सपोज आपने जो केक बेचते हो पर केजी केक, आप उसको सेल करते हो से 500 रुपीज पर केजी, ठीक है, सो आपका रेवेन्यू है पर केजी 500 रुपीज। अब इसको बनाने में जो कॉस्ट डायरेक्टली दिख रही है, अगर आप केक को अपने सामने रखो तो आपको दिख रहा है कि इसमें क्या क्या कॉस्ट लगी है। इस पे लगा है आपका फ्लोर, इस पे लगे हैं फ्रूट्स, नट्स, कोको, कैरेमल, इस पे लेबर लगी है जिसने काम किया है, और फैक्ट्री का जो खर्चा है, तो वो सारे एक्सपेंसेस इसमें हैं। तो सारे इधर उधर के जो भी एक्सपेंसेस हैं, सपोज इसकी जो डायरेक्ट कॉस्ट है, सपोज इसमें हमने फ्लोर डाल दिया, 100 रुपीज का फ्लोर था, 50 रुपीज का कोको एसेंस था, इसमें से 40 रुपीज आपने लेबर को दे दिए इसको बनाने में, और कुछ और आसपास के लाइटिंग सुपरविजन वगैरह के एक्सपेंसेस हैं से 20 रुपीज, सो 210 आपकी हो गई डायरेक्ट कॉस्ट। तो आपका जो इसमें ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितना आ गया? 500 माइनस 210, दैट इज 290 रुपीज। तो ये आपका हो गया प्रॉफिट। बट आपके बिजनेस में, बिजनेस को ऑपरेट करने में सिर्फ यही तो एक्सपेंडिचर नहीं है, इसके अलावा और भी एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे आपने अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए एडवर्टाइजिंग करते हो, तो एडवर्टाइजिंग का खर्चा हो गया। जो सेल्समैन इसको बेच रहा है वो बनाने में नहीं आ रहा है, वो सेल्समैन है, वो खड़ा हुआ है शॉप पे, वो बेच रहा है, सेल्समैन की कमीशन, सेल्समैन की सैलरी। अब जो आपने सेलिंग प्वाइंट खोले हुए हैं, जो शॉप्स खोली हुई हैं जहां पे आपका सामान बिकता है, अब वो प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है डायरेक्टली, ठीक है, तो वो कहलाती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। सारा ऑफिस का एक्सपेंडिचर हो गया इसमें, इसमें मार्केटिंग पे जो खर्चा आया, एडवर्टाइजमेंट पे जो खर्चा आया, सेल्समैन की कमीशन आ गई, और आप जो अपने गुड्स को डिफरेंट शॉप्स पे पहुंचा रहे हो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, फिर आप लोगों से ऑर्डर ले रहे हो, उसके लिए आपने एक सेक्रेटरी रखा हुआ है, वो सारे ऑर्डर लिखता है, सो ऑफिस के, सेक्रेटरी के, ये सारे एक्सपेंसेस आ जाते हैं आपके इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो जब हम रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस करते हैं तो उसे कहते हैं नेट प्रॉफिट।
सो नेट प्रॉफिट क्या हो गया, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर टोटल कॉस्ट. सो रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट कौन कौन सी है, एक हो गई डायरेक्ट कॉस्ट. डायरेक्ट कॉस्ट जो डायरेक्टली हमें प्रोडक्ट से दिखती है कि ये इस प्रोडक्ट को बनाने में या इसको लेने में एक्सपेंड किया हमने, और दूसरी होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट. सो नेट प्रॉफिट इज एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट. अब इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकते हैं. अगर मैं ये ब्रैकेट खोल देती हूं, माइनस डायरेक्ट कॉस्ट माइनस इनडायरेक्ट कॉस्ट, तो क्या आ गया, ये तो मैंने पहले भी सॉल्व किया, इसे मैं ग्रॉस प्रॉफिट बोल रही थी, ठीक है ना, रेवेन्यू माइनस डायरेक्ट कॉस्ट. तो नेट प्रॉफिट क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट कॉस्ट. तो या तो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आप रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस कर दो, या आप ग्रॉस प्रॉफिट लेके उसमें से इनडायरेक्ट कॉस्ट नेक्स्ट स्टेज में माइनस कर दो, तो आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट. सो प्रॉफिट टर्म बेसिकली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए यूज हो रही है. सो द टर्म प्रॉफिट हियर मींस द प्रॉफिट अर्न्ड बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है, दैट इज फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज. तो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया रेवेन्यू माइनस डायरेक्ट कॉस्ट, और नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट के हमारे पास दो वेरिएशंस आ गए, या तो मैं रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस कर दूं, या फिर मैं इसे ऊपर वाली स्टेज से उठाऊं, मैंने ग्रॉस प्रॉफिट लिया, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट में डायरेक्ट कॉस्ट पहले ही माइनस हो चुकी है, तो अब मैं क्या माइनस करूंगी, इनडायरेक्ट कॉस्ट, जिसमें ऑफिस के एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस आ जाते हैं, फाइनेंशियल चार्जेस आ जाते हैं. आपने बिजनेस के लिए लोन ले रखा है, अब वो लोन पे जो इंटरेस्ट दे रहे हो वो भी तो कॉस्ट है बिजनेस की, लेकिन वो प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है डायरेक्ट, तो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, सेलिंग कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट एटसेट्रा. सो सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट जब ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस कर देते हैं तो नेट प्रॉफिट आते. तो प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट अर्न्ड बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, वेयर एज इनकम क्या है, इनकम है प्रॉफिट अर्न्ड इन एन अकाउंटिंग ईयर फ्रॉम ऑल रूटीन और रेगुलर एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, ठीक है. सो इनकम इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट और प्रॉफिट उसका एक पार्ट बन जाता है. थर्ड टर्म आ गई गेन. गेन जैसे मैंने आपको बताया था कि गेन क्या है, From irregular activities. So irregular activities से जो भी profit होता है उसको हम बोलते हैं gain. So gain means is the profit earned from irregular or non-recurring ट्रांजेक्शंस. इसमें क्या क्या आ जाएंगे, सेल ऑफ लैंड गिविंग प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट हो गया सेल ऑफ लैंड से, या फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी एटसेट्रा. सो अगेन रिमेंबर, आप एक्टिविटीज को याद रखो, आपको टर्म्स याद रखना इजी रहेगा. जो इरेग्युलर एक्टिविटीज से प्रॉफिट होते हैं उनके लिए टर्म यूज होती है गेन. सो गेन रेफर्स टू द प्रॉफिट्स अर्न्ड फ्रॉम द इरेग्युलर और नॉन रिकरिंग एक्टिविटीज, दैट इज सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, सेल ऑफ ओल्ड बिल्डिंग और मशीन एटसेट्रा. यहां रूटीन एक्टिविटीज में दो टर्म्स यूज होती हैं. जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का प्रॉफिट है उसके लिए टर्म प्रॉफिट ही यूज होती है, वेयर एज जो इनकम है वो अम्ब्रेला टर्म है. सो इनकम इज द प्रॉफिट जनरेटेड इन एन अकाउंटिंग ईयर फ्रॉम ऑल रूटीन एक्टिविटीज. सो इसमें आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आएगा और नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आएगा. सो योर इंटरेस्ट इनकम, रेंटल इनकम विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ योर इनकम हियर. सो इनकम इज ओवरऑल रेवेन्यू माइनस ओवरऑल एक्सपेंसेस. फाइनली हमारे पास लास्ट टर्म क्या आ गई, लॉस. अब प्रॉफिट आप कैसे डिफाइन करते हो, जब भी हमारा जो रेवेन्यू है वो कॉस्ट से ज्यादा होता है उसे हम कहते हैं प्रॉफिट हो गया. रेवेन्यू एक्सपेंसेस से ऊपर है, इनकम है. गेन में भी यही हमने यूज किया कि जब किसी भी चीज को जो आप सेल कर रहे हो उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो उसके बुक वैल्यू से ज्यादा है तो हमें गेन हो गया. सो गेन की कंडीशन क्या है कि जो सेलिंग प्राइस है, जो रेवेन्यू है वो ज्यादा होना चाहिए. सो अगर कभी भी किसी भी ट्रांजेक्शन में जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट और एक्सपेंस से कम हो जाती है तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं लॉस, राइट.
सो लॉस का मतलब क्या हो गया, मनी लॉस्ट ऑन एनी एक्टिविटी। वो आपकी ऑपरेटिंग भी हो सकता है, लॉस फ्रॉम नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी हो सकता है, लॉस फ्रॉम नॉन रिकरिंग ट्रांजेक्शन भी हो सकता है। तो जहां प्रॉफिट के लिए, गेन के लिए हमने तीन टर्म्स यूज कर रहे हैं, डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट टर्म यूज करते हैं, लॉस के लिए एक ही टर्म है बट उसके साथ एक फ्रेज जुड़ जाता है। यहां बोलेंगे गेन के रेस्पेक्ट में अगर हमें लॉस हो रहा है, मतलब किसी फिक्स्ड एसेट को बेचने से लॉस हो रहा है, तो उसे बोलेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अगर आपको बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से प्रॉफिट की जगह लॉस हो गया, मतलब ये आंसर नेगेटिव में आ गया, तो इसे बोलेंगे लॉस फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और अगर आपने यहां इनकम कैलकुलेट की और यहां आंसर माइनस में आ गया, रेवेन्यू कम है एक्सपेंसेस जाता है, तो इसे बोलेंगे लॉस फ्रॉम द रेगुलर एक्टिविटीज। सो लॉस का बेसिक मतलब ये है कि हमारे जो रिटर्न है, हमारा जो रेवेन्यू है या सेल है, वो कम है कॉस्ट से। सो जब भी लॉस होता है उससे ऑनर की इक्विटी, ऑनर का क्लेम जो है बिजनेस पे कम हो जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर आपने बिजनेस में 1,00,000 रुपया लगाया, अब उसमें से आपका 10,000 का लॉस हो गया आपको अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, तो अब आप अपने बिजनेस से 1,00,000 क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि आपको 10,000 का लॉस हो गया है। तो लॉस की वजह से आपकी बिजनेस में आपका कैपिटल और आपकी इक्विटी जिसे बोलते हैं वो कम हो गई है। कैपिटल को ऑनर इक्विटी बोलते हैं। सो आपके ऑनर इक्विटी या ऑनर्स का क्लेम बिजनेस पे कम हो गया। सो लॉस का मतलब है एनी टाइप ऑफ लॉस, आइदर फ्रॉम रेगुलर एक्टिविटी और ऑपरेटिंग एक्टिविटी और इरेगुलर एक्टिविटी, उसके लिए एक ही टर्म है लॉस। बस उसके आगे एक फ्रेज जोड़ देते हैं कि ये लॉस कहां से आ रहा है। लॉस आपका सेल ऑफ एसेट से आ रहा है, लॉस आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आ रहा है या कहीं से आ रहा है। सो लॉस का मतलब क्या हो गया, लॉस मीन्स एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ अ पीरियड ओवर रेवेन्यू। ठीक है, तो किसी भी पीरियड में रेवेन्यू से जब आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाते हैं तो उसे बोलते हैं लॉस। लॉस डिक्रीजेस, जैसे प्रॉफिट इंक्रीज करता है, ये डिक्रीज करता है ऑनर्स इक्विटी। मतलब ऑनर का जो बिजनेस पर क्लेम है, जो उसने बिजनेस में पैसा लगाया उसका जो क्लेम है, ये उसको कम कर देते हैं। अब लॉस एक अम्ब्रेला टर्म है, इट इज अ ब्रॉडर टर्म। ब्रॉडर टर्म का मतलब क्या हो गया कि इसमें कई और चीजें आएंगी, तो इसमें सारी तरह के लॉसेस आ जाते हैं। सो इट इंक्लूड्स लॉस फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, लॉस फ्रॉम नॉन रिकरिंग एक्टिविटीज, जैसे क्या आ गया, सेल ऑफ ओल्ड मशीन, राइट। सो लॉस एक ब्रॉडर टर्म है, इसमें सब तरह के लॉसेस आएंगे, लॉस फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, लॉस फ्रॉम नॉन रिकरिंग एक्टिविटीज, और इट मे ऑल्सो इंक्लूड लॉस ऑफ मनी और मनीज वर्थ। मनीज वर्थ मतलब कोई गुड्स या कोई और चीज आपका नुकसान हो गया, फॉर एग्जाम्पल लॉस ड्यू टू थेफ्ट, लॉस ड्यू टू फायर। अगर किसी बिजनेस में, स्टोर्स में उनके फायर हो जाती है, आग लग गई और उनके स्टॉक जल गया, तो उसको भी लॉस ही बोलेंगे ना, तो वो हो जाएगा लॉस ड्यू टू थेफ्ट और फायर। तो अब इसमें आपका लॉस हो रहा है मनी का, आपके चीजों का लॉस हो रहा है, बट ये एक नॉन रिकरिंग नेचर का है और इट हैज नथिंग टू डू विद द फर्म। फर्म का कोई बेनिफिट खत्म हो गया, फर्म को कुछ मिलेगा नहीं अब आगे क्योंकि उसका स्टॉक सड़ गया, खत्म हो गया। सो लॉस मीन्स एक्सेस ऑफ एक्सपेंसिस ओवर पीरियड ओवर रेवेन्यू, इट डिक्रीजेज ऑनर्स इक्विटी, बट इट इज अ ब्रॉडर टर्म। तो ये सिर्फ रेवेन्यू से रिलेटेड ही नहीं है कि जब भी रेवेन्यू और एक्सपेंस को कंपेयर करेंगे, रेवेन्यू ज्यादा हो गया तो प्रॉफिट इनकम या गेन है, रेवेन्यू कम हो गया तो लॉस है। ये सिर्फ वही नहीं है, इट्स एन अम्ब्रेला टर्म, इट इंक्लूड्स लॉस फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, लॉस फ्रॉम नॉन रिकरिंग एक्टिविटीज एंड लॉस फ्रॉम मनी और मनीज वर्थ इन एनी अदर एक्टिविटी। किसी भी रीजन से आपका लॉस हो जाता है तो इट इज कॉल्ड अ लॉस। सो आई होप हमें ये चारों टर्म्स क्लियर है, इनकम, प्रॉफिट, गेन एंड लॉस। लॉस सबके लिए आता है, जब भी हमारे कॉस्ट ज्यादा हो जाती है हम उसे फिर लॉस बोल देते हैं। रेवेन्यू कम है, कॉस्ट ज्यादा है, लॉस है।
अदरवाइज जब हमारा रेवेन्यू ज्यादा है तो फिर हम तीन टर्म्स यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं गेन, प्रॉफिट और इनकम। प्रॉफिट है आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए, इनकम है आपकी सारी एक्टिविटीज के लिए, और गेन है आपका इरेगुलर और नॉन रिकरिंग एक्टिविटीज के लिए। सो आपको यही याद रखना है कि ये बिजनेस की एक्टिविटी कौन सी है। किसी भी एक्टिविटी में अगर लॉस हो रहा है, मतलब आपका जो सेलिंग प्राइस है वो कम है एज कंपेयर टू द कॉस्ट और बुक वैल्यू, तो उसे लॉस बोलते हैं। वो यहां भी लिख सकते हैं, यहां भी आ सकता है, लॉस ब्रॉडर टर्म है, इट कवर्स ऑल दीज थिंग्स। बट जब भी आपका रेवेन्यू सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो आपको गेन होगा, प्रॉफिट होगा, इनकम होगी। तो हम कौन सी टर्म कहां यूज करेंगे? गेन हम यूज करेंगे इरेगुलर एक्टिविटीज के लिए, नॉन रिकरिंग ट्रांजेक्शन्स के लिए। इनकम हम यूज करेंगे रेगुलर एक्टिविटीज के लिए, और रेगुलर में अगर हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बात करें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे जो हमें फायदा होता है उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट। सो जस्ट अंडरस्टैंड दिस, इनकम इज फॉर द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर फॉर ऑल रूटीन एक्टिविटीज, प्रॉफिट इज द प्रॉफिट अर्न इन अ ईयर फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, गेन इज द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम नॉन रिकरिंग ट्रांजेक्शन और एक्टिविटीज। आई होप द टर्म्स आर क्लियर नाउ। थैंक यू।